हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ख़ास है क्योंकि ये सबकी मनपसंद है। जी हाँ, पनीर बटर मसाला बनाएंगे आज, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे, और साथ ही में यहाँ पे एक टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे और फिर साथ ही में यहाँ एक टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि ये बटर जले ना। ऑयल को भी बटर में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और फिर सबसे पहले यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। तो बस जीरा को थोड़ा सा हम चटकने देंगे, और साथ ही में यहाँ पर 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे, और उसके साथ ही 1 बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। साथ ही में 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और फिर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, और यहाँ पे 1 इंच जिंजर का टुकड़ा ऐड कर रही हूँ, और यहाँ 2 चॉप्ड अनियन ऐड कर रहे हैं। तो हम इसे अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे और करीब 2 मिनट तक इसे इस तरह से हाई फ्लेम पे चला लेंगे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि प्याज यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रांसल्यूसेंट सा हो गया है। तो बस यहीं पे हम 4 कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, और साथ ही में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, और साथ में 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आता है ग्रेवी में। और फिर साथ में 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर और चुटकी भर हल्दी का पाउडर यूज़ करेंगे। हल्दी यहाँ पे हमें बस थोड़ा सा डालना है, क्योंकि बस ग्रेवी का कलर ऑलरेडी ही येलो होता है, सो इसलिए हल्दी हम बहुत कम डालेंगे। तो इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इस तरह से हम पकने देंगे। तो 2 मिनट के बाद यहाँ पर हम 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी बस हमें ऑलमोस्ट उतना ही रखना है जो कि बस ये हल्का सा डूब सके, तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, 1 ग्लास इनफ होगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही में यहाँ 10 से 12 काजू ऐड कर रही हूँ। तो काजू को भी हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं इनके साथ, और फिर इनको हम ढक करके करीब 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। तो अब हम यहाँ पर पनीर चेक करते हैं, जो कि मैंने 200 ग्राम लिया है, और इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और साथ ही में गुनगुना पानी। पानी में हम इसे 20 मिनट तक ऐसे डुबो के छोड़ देंगे, इससे पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आइए अब हम चेक करते हैं अपने टमाटर और प्याज को। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और साथ ही में यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं, जैसे बड़ी इलायची, तेजपत्ता, इनको हमें रिमूव कर देना है इन मसालों से। तो इसे हम हटा देंगे, और फिर हम ठंडा होने के बाद इसको एक ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड इसका एक फाइन सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से। मगर हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम छन्नी की मदद से इस पेस्ट को अच्छे से छानेंगे, और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से सिल्की स्मूथ पेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम पेस्ट निकाल लेंगे छान के। यहाँ पे कढ़ाई हम वापस से गरम करेंगे, और फिर 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। बटर को हम मेल्ट होने देंगे, और साथ ही में 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर वापस से ऐड करेंगे। अब कश्मीरी लाल मिर्च को हम इसमें मिला देंगे, क्योंकि इसमें फिर से जो ग्रेवी में है कलर के लिए हम थोड़ा और ऐड कर रहे हैं। और अब जो अनियन टमाटर का पेस्ट हमने बनाया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और अच्छे से हम इसे बटर में मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम 7 से 8 मिनट तक ढक्कन लगा करके इसे पका लेंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद, जैसे आप देख सकते हैं, ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है और ये काफ़ी हद तक पक चुकी है। तो यहाँ पर मैं 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, और पानी को हम अच्छी तरह से इस ग्रेवी में मिला लेंगे, और जब मिक्स करने के बाद
यहाँ पे क्या करना है, वो जो हमने पनीर पहले ऐड किया था गर्म पानी में, उनको हम निकाल करके यहाँ ग्रेवी में डाल देंगे। तो सारे पनीर को हम थोड़े थोड़े करके यहाँ ऐड कर देंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथ से जेंटली मिक्स करेंगे ग्रेवी में। कुछ इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम वापस से ढक करके सिर्फ 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि पनीर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पनीर भी ऑलमोस्ट पक के तैयार है। तो यहाँ पे आधी टीस्पून में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और साथ ही में क्रश्ड कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आती है ग्रेवी में। साथ ही में 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, और इस फ्रेश क्रीम को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में बिल्कुल जब तक ये घुल ना जाए ग्रेवी के अंदर, और फिर 1 मिनट तक बस पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं, बस सिर्फ 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग कलर और ये कंसिस्टेंसी बन के तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी ग्रेवी है। तो हमारा पनीर बटर मसाला वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार है। आप इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म रोटी पराठे या नान के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये और आई एम श्योर ये आपके घर पे सबको बेहद पसंद आएंगे। सो डू गिव इट अ ट्राई एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।